हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न अबी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सेवेंथ साइंस की बुक का चैप्टर 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, वो हम देखेंगे। तो इस चैप्टर में पहले हम देखते हैं कि फिजिकल चेंज में क्या होता है कि सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। तो देखते हैं हम इसमें, एवरीडे लाइफ में हम लोगों को काफ़ी सारे चेंजेस अपने आसपास देखते हैं। चेंजेस में काफ़ी सारे सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप लोग चीनी घोलते हैं पानी में, ठंडे पानी में, तो वो धीरे घुलती है, ठीक है। बट क्या होता है, पहले वो पानी था, फिर जब आपने चीनी घोल दी तो वो शुगर सॉल्यूशन बन गया। सिमिलरली आप लोग देखते हैं कि जो कर्ड है, दही जमती है किससे, मिल्क से, वो भी एक चेंज है। और कई बार क्या होता है, मिल्क खट्टा हो जाता है, और मतलब चेंज हो रहा है, पहले मीठा था फिर खट्टा हो गया है ना। तो रबर बैंड को आप खींच देते हैं तो वो खिंच जाता है। तो काफ़ी सारे चेंज हो रहे होते हैं। इनमें से कुछ चेंज जो हैं वो फिजिकल चेंज हैं, और कुछ चेंज जो हैं वो केमिकल चेंज हैं। अब ये दो काइंड के चेंज हैं, अब हम इनको देख लेते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, तो इसका एक्टिविटीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वाली एक्टिविटीज़। तो हम डायरेक्ट देखते हैं कि एक्चुअल में फिजिकल चेंज होता क्या है। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं इसमें। फिजिकल चेंज में ना इस तरीके की एक्टिविटी होती हैं कि आप लोगों ने पानी बॉयल कर दिया, पहले वो गर्म हो गया बट वो दोबारा से ठंडा भी हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो पानी आपने बॉयल करा था वो दोबारा से अपनी पहले वाली स्टेट में आ गया, वो क्या हो गया, फिजिकल चेंज हो गया। तो वाटर की बस स्टेट चेंज होती रहती है, मगर वो वापस अपनी पहले वाली स्टेट में आ जाता है। तो फिजिकल चेंज प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टी सच एज साइज, कलर, स्टेट एंड सब्सटेंस ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अगर आप लोग सोच रहे होंगे पूरा पेज मैंने स्किप करवा दिया, तो देखिए जो भी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये वाली एक्टिविटीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पार्ट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज़ जैसे कि किसी भी चीज़ की शेप हो गई, वो क्या गोल है, लंबा है, चौड़ा है, ये सारी की सारी शेप होती है। या मतलब गोल है, ऐसे है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, कैसा है, ठीक है, वो उसकी शेप हो गई, लंबा है, चौड़ा है, छोटा है, वो उसका साइज़ होता है। कि कलर क्या है फिर, और स्टेट क्या है सब्सटेंस की, मतलब वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, किस में है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आप याद कर लीजिए, चार ही हैं, शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। शेप, साइज, कलर एंड स्टेट। शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड इज फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, शेप हो गया, कलर हो गया, साइज हो गया, स्टेट। शेप, कलर, साइज एंड स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, ये क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगोज अ, तो इस तरीके का चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आ रहा है, तो इस तरीके के चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं। फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, मतलब आप उसको पहले जैसा बना सकते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल, आप अपनी रबर बैंड को खींच के देखिए, रबर बैंड आप खींचेंगे तो वो पहले लंबी हो जाएगी और फिर वो वापस उसी शेप में आ जाएगी, या फिर वो टूट जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। बट कभी भी उसमें से एक नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। उसकी शेप, साइज, कलर, स्टेट जो है, ये सारी की सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, मगर उसमें से कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है, तो हम उसको फिजिकल चेंज कहेंगे। अब आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जंग लग जाना, है ना। तो आपने ब्राउन ब्राउन सा कलर देखा होगा आयरन के ऊपर, जंग सी लगी हुई होती है, उसको हम लोग रस्ट कहते हैं। और जो प्रोसेस जिसकी वजह से आयरन पे जंग लगता है, इस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग कहते हैं। गेट्स हो गए, पार्क के, फार्मलैंड, आयरन, सबके सारे आयरन के आर्टिकल्स होते हैं। आप देखिए, ये देखिए कितना ज़्यादा जंग लगा हुआ है इसमें, है ना। इन सब पे क्या लगा हुआ है, जंग लगा हुआ है। जंग कैसे लगता है, व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम, मतलब आप लोहे को बिना पेंट करे ऐसे ही हवा में या पानी में, उस पर हवा पड़ेगी, पानी पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, आयरन रस्ट हो जाएगा, ठीक है। और किचन में अगर आप वेट आयरन तवा, अफन गेट्स रस्टेड इफ़ लेफ्ट इन द स्टेट फॉर सम टाइम। और जो घरों में तवा होता है, लोहे का तवा होता है वो, तो अगर आप उसको पानी उस पर से नहीं हटाएंगे, ऐसे ही रख देंगे, तो आप देखेंगे उस पर भी जंग लग सकता है। तो रस्ट इज़ नॉट आयरन, रस्ट जो है वो आयरन नहीं होती, ये डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन इट्स ऑन विच इट गेट्स डिपॉजिट। मतलब जो रस्ट होती है ना, वो लोहा नहीं होता है, वो अलग ही तरीके का सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होता है।
तो वो आयरन को चेंज कर रहा होता है, आयरन को सड़ा रहा होता है, उसे ख़राब कर रहा होता है, इसलिए वो क्या है, वो एक केमिकल चेंज है। अब ये देखिए, मैग्नीशियम रिबन बर्निंग, तो आप एक थिन स्ट्रिप, खैर ये आप घर पे नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, तो थिन स्ट्रिप लीजिए, एक रिबन ऑफ मैग्नीशियम होता है, लेबोरेटरीज में अवेलेबल होता है, आप उसको साफ़ करिए सैंड पेपर से, मतलब उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए, उसको कैंडल के पास लाएंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से जलता है। तो व्हेन इट कम्प्लीटली बर्न, इट लीव्स बिहाइंड अ पाउडरी ऐश, और जब वो पूरी तरीके से जल जाता है तो ऐश जैसी उसमें राख जैसी बच जाती है। तो किस तरीके का चेंज आपको दिखा, ऐश लुक लाइक, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन जैसी ऐश लगती है, तो नहीं, ऐसी नहीं लगती है। तो देखिए, मैग्नीशियम कभी भी कोई चीज़ जलती है ना तो हमेशा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलती है, एक फ्यूल होना चाहिए और एक ऑक्सीजन ज़रूर ही प्रेजेंट होनी चाहिए। तो मैग्नीशियम जला ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो वो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो डिफरेंट इक्वेशन और मैथमेटिक्स वगैरह ये सब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपने ऐश कलेक्ट कर ली और उसको मिक्स कर दिया थोड़े से अमाउंट ऑफ वाटर में, स्टिर द मिक्सचर, ठीक है, आपने उसको घुमा दिया और उसको आप लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो क्या पता लगेगा, लिटमस पेपर से चेक करेंगे ना तो मैग्नीशियम रिबन ना देखिए बेसिक होता है, तो इट विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में वो चेंज कर देगा। तो आप इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, सॉल्यूशन कैसा है, तो आप बता सकते हैं टेस्ट करके, है ना। तो इसमें यही बताया गया है, ऑन डिजॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस, जब आप जो राख थी आपने उसको पानी में घोल दिया तो वो एक नया सब्सटेंस उसने फॉर्म कर दिया। पहले वो MgO था, पहले क्या था, Mg था और O2 था, फिर आपने रिएक्शन, जब हमारी रिएक्शन हुई थी, जब वो जला था तो वो MgO बन गया था, फिर अब जो MgO बना था, आपने जो राख बनी थी MgO, उसको आपने पानी में डाल दिया, पानी का फॉर्मूला होता है H2O, तो इसका बन गया MgOH का होल ट्वाइस। अब देखिए, आप लोगों को रिएक्शन सिखा देते हैं NCERT में, बट आपको इनको बैलेंस करना सिखाया जाता है 10th क्लास में, तो फिलहाल आपको थोड़ा सा रट्टू पोपट वाला काम करना पड़ेगा कि जो Mg है ना, Mg इसको हम लोग आगे लिख देंगे, फिर जो O है ना, ये भी यहाँ पे भी O है और यहाँ पे भी O है और यहाँ पे दो टू हैं, तो OH और दोनों के पास टू थे ना नीचे, तो दोनों में ब्रैकेट लगा के होल टू इसको लिख देंगे, या फिर होल स्क्वायर बोलते हैं। तो Mg जब मैग्नीशियम, जब वाटर के साथ मैग्नीशियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो MgOH का होल ट्वाइस। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक Mg था, एक बिल्कुल ठीक बात हो गई, MgO था, दो O थे और दो H2 थे, तो OH और फिर दो टू हमने मतलब बाहर लगा दिया। तो वही आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हाइड्रोजन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और जब वो हवा में बर्न होता है तो एक नया तरीके का सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, जब उसको पानी में राख बन जाती है, राख को हम पानी में मिलाते हैं तो एक अलग सा ही सब्सटेंस बन जाता है। फिर ये हमारा आता है कॉपर सल्फेट का एक्टिविटी, एक और है कि आपको कॉपर सल्फेट जो है कि ब्लू से कलर का होता है ना, उसको अगर हम लोग पानी में रखेंगे, ठीक है, और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब आपने कॉपर सल्फेट, कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4, तो कॉपर सल्फेट को अगर आप पानी में रखेंगे, ठीक है, और उसमें पानी में रखेंगे और आपने सल्फ्यूरिक एसिड होता है हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन, तो आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप उसको सैंपल को एक अलग रख दीजिए, ठीक है, फिर आप उसमें क्या करिए, एक नेल डाल दीजिए, नेल मतलब वही आपकी कील डाल दीजिए, और या फिर शेविंग ब्लेड या कुछ भी जो थोड़ा बहुत लोहे का हो, और आधे घंटे बाद देखिए, ऑब्जर्व करिए कलर को, क्या कलर्स में कोई चेंज आया है, मतलब एक तो सॉल्यूशन था जिसमें आपने कुछ नहीं डाला, वो आपने अलग रखा है, एक सॉल्यूशन में आपने लोहे की कोई चीज़ डाल दी है, तो क्या हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का था, ठीक है, कॉपर सल्फेट क्या था, ब्लू कलर का, बट आपने एक नेल डाल दिया या फिर आपने ब्लेड डाल दिया, तो वो जो सॉल्यूशन है ना वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट जो है ना उसकी आयरन के साथ रिएक्शन हो गई है, आयरन के साथ रिएक्शन हो गई है, पर से ये वाली चीज़ आप आगे पढ़ेंगे 10th में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आयरन कॉपर सल्फेट से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो कॉपर सल्फेट को दफा करके भगा देता है और खुद जुड़ जाता है SO4 के साथ, तो FeSO4 बन जाता है और जिसका कलर ग्रीन होता है। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो ब्लू कलर का होता है, बट अगर उसमें आप कोई लोहे की चीज़ डाल देंगे तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि क्या होता है उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है और आयरन सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, कॉपर नीचे की तरफ जम जाती है। इसमें फिर हमें यही बताया गया है
अब एक और एक्टिविटी है, देखिए स्टार्टिंग की एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी इसलिए मैंने आपको नहीं बताई, अब ये वाली एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखिए इस एक्टिविटी में हम लोग क्या लेते हैं, टी स्पून ऑफ विनेगर, हमने सिरका लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में हमने एक सिरका ले लिया है, विनेगर ले लिया है, और हमने उसमें बेकिंग सोडा डाला। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा इज़ बेस, ठीक है, आपने विनेगर लिया है और उसमें आपने बेस डाल दिया है, फिर आपने उसको हिलाया, हिजिंग, ठीक है। तो आप देखेंगे जैसे ही आप लोग विनेगर था और अगर आप उसमें बेकिंग सोडा डाल देंगे तो ना ऐसे ऐसे झाग झाग जैसे उठ के आने लगेंगे, जैसे कि अगर आपने इनो देखा होगा तो इनो भी ना वो बेकिंग सोडा ही होता है, उसमें बेकिंग सोडा होता है और उसमें हल्का एसिड और हल्का बेस होता है, तो एकदम से ऊपर वो जैसे बुलबुले टाइप के बन के आ जाते हैं। आप घर में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप नींबू लीजिए और बेकिंग सोडा, काफ़ी जो खाने का सोडा बोलते हैं जैसे छोलों वगैरह में पड़ता है वो, अगर घर में होगा तो थोड़ा सा आधा ग्लास पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालिए और थोड़ा सा नींबू डालिए, तो एकदम से बुलबुले से उठ के आएंगे उस पानी में, आप घर में भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये लाइम वाटर बन गया है, तो इसकी रिएक्शन वगैरह क्या होती है, तो देखिए विनेगर जो है हमने पहले पढ़ा था कि वो एसिटिक एसिड होता है, और उसमें एसिटिक एसिड में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, एसिटिक एसिड में जब हम लोग बेकिंग सोडा डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और काफ़ी कुछ अलग सब्सटेंस भी होते हैं। अब रिएक्ट ये जो ऊपर की तरफ रिलीज हो रहा है ना, यही कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, ठीक है। तो विनेगर में आपने बेकिंग सोडा डाला तो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है, और देखिए आपने विनेगर था, विनेगर में बेकिंग सोडा डाला तो बबुल्ले बबुल्ले टाइप के निकले, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ये लाइम वाटर बन जाता है, गैस पास होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जब आप लोग विनेगर में बेकिंग सोडा डालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लाइम वाटर बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट भी बन सकता है। तो व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पास थ्रू लाइम वाटर, लाइम वाटर होता है, जैसे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी आपने इसे लाइम वाटर से CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर होता है उससे पास करवाएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये थोड़ी सी ना टफ चीज़ है, पता है क्यों टफ है, क्योंकि आपके लिए अभी आपको इन्हें याद करना पड़ेगा, जब आप 9th में आएंगे 10th में आएंगे ना तो आपको लॉजिक समझ आएगा इन चीज़ों का कि अच्छा ये रिएक्शन इसलिए हुई है, इसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है, हर चीज़ का एक अपना केमिकल फॉर्मूला होता है, जैसे कि जो ये हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO2, और जो पानी होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O, है ना, इस तरीके से हर चीज़ का केमिकल फॉर्मूला होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है और जो लाइम वाटर होता है उसका CaOH का होल ट्वाइस होता है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड CaOH के होल ट्वाइस से रिएक्ट करते हैं तो CaCO3 बन जाता है और वाटर रिलीज हो जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है लाइम वाटर से तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वो मिल्की सा दूध जैसा हो जाता है, और टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की 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 सा हो जाता है, और ये हम लोगों को आगे कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वगैरह चैप्टर 10 में देखेंगे। तो ये जो एक्टिविटीज़ थी इसमें आपने जितने भी चेंजेस देखे ना, हमने 3 एक्टिविटीज़ देखी कि मैग्नीशियम का रिबन बर्न हो रहा है वो राख बन जा रहा है, और कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन हो रहा है आयरन का तो वो ग्रीन कलर का हो जा रहा है, फिर हमने अभी लाइम सोडा वाला देखा, तो इन सब से हमें पता लगता है कि हमारा जो चेंज था ना वो मतलब चीज़ एकदम पूरी कम्प्लीटली बदल चुकी है, अब वो पहले जैसी नहीं हो सकती। तो चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज। तो नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया ना, पहले क्या था, पहले वो ब्लू कलर का था और अब वो तो बिल्कुल ग्रीन कलर का हो गया है, तो बिल्कुल चेंज हो गया है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस, चेंज बदलाव जिसमें एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बन जाता है उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आर लाइफ, केमिकल चेंज हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे के सारे जो नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो केमिकल चेंजेस की वजह से होते हैं। हमारा जो खाना पचता है ना, डाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है, जो डाइजेशन हो गया हमारी बॉडी में, और फ्रूट्स जो पकते हैं, ग्रेप्स का जो फर्मेंटेशन जिससे अल्कोहल बनाई जाती है, ये सारा का सारा केमिकल चेंजेस ही होते हैं, बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं। और मेडिकल जो मेडिसिन बनाई जाती है, मेडिसिन इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ चेन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारी जो मेडिसिंस हैं, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, आपके जो कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, खाने के कितने सारे प्रोडक्ट्स, सारे के सारे केमिकल, आपका खाना पक रहा है ना वो भी एक केमिकल चेंज हो रहा है, हर चीज़ में केमिस्ट्री है तो केमिकल चेंज हो रहा है हर चीज़ में। तो हर चीज़ जो भी चीज़ हो रही है ना वर्ल्ड में, कुछ भी, या तो फिज़िकल चेंज है या तो केमिकल चेंज हो रहा है उसमें।
तो हम लोगों को पता लगा है, इन एडिशन न्यू प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग मे अकंपनी अ केमिकल चेंज, हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब्ड। रेडिएशन हम लोग लेते हैं या तो उसको लेते हैं या फिर बाकी उसको भेज देते हैं। साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, जब मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो हीट रिलीज कर सकता है, कोई साउंड फटने जैसी साउंड आ सकती है, और अ चेंज इन स्मेल, उसकी जो है स्मेल बदल सकती है उस चीज़ की, उसका कलर बदल सकता है, गैस रिलीज हो सकती है। तो जब भी केमिकल चेंज हो रहा होगा ना, तो इन सब चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है केमिकल चेंज के टाइम पे। तो यू सॉ दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग आपको याद कर लेने हैं, तीन चार केमिकल चेंज के एग्जाम्पल। एक तो डाइजेशन हो गया सिंपल सा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का पकना, और ये मैग्नीशियम रिबन का जलना, कोल लकड़ी का जलना, वुड का जलना, ये सारे के सारे केमिकल चेंज हैं, ठीक है। बर्निंग जो है जिसमें हीट निकल रही है वो भी एक केमिकल चेंज है। अब एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क, मतलब जो पटाखे फोड़ते हैं ना, वो भी केमिकल चेंज ही है। और जो क्या क्या हीट निकलती है, लाइट निकलती है, कई बार गैसेस निकलती हैं जो पोल्यूशन फैला देती हैं फायरवर्क से, ठीक है। अब वही है कि फूड जो है जो सड़ जाता है खाना, वो भी केमिकल चेंज की वजह से ही सड़ता है। आपने कई बार एप्पल जो है ब्राउन सा कलर एक्वायर कर लेता है अगर आप उसे काट के रख देते हैं, और आपने कलर चेंज देखा। कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम, तो आप लोग देखेंगे ब्रिंजल, पोटैटो, ये सारे के सारी चीज़ें क्या होने लगती हैं, काली पड़ने लगती हैं। तो काली पड़ने लगती है इसका मतलब इनमें केमिकल चेंज हो रहा होता है। चैप्टर 5 में हम लोगों ने न्यूट्रलाइज्ड एंड एसिड बेस पढ़ा था। और क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी एक केमिकल चेंज है? यस, केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, पहले वो एसिड था, न्यूट्रलाइज होकर के वो न्यूट्रल हो गया ना, एसिड रहा ना बेस रहा, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी केमिकल रिएक्शन है। फिर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो चीज़ है ना, प्रोटेक्टिव शील्ड। आपने ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की ऊपर की लेयर है, वो हम लोगों को हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। तो हम लोगों को ओजोन किससे बचाती है? ओजोन हमें अल्ट्रा वायलेट जो रेडिएशन होती है ना, जो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं, उससे हमें बचाती है। ओजोन क्या करती है, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और ब्रेक्स डाउन द ऑक्सीजन। अगर देखिए ओजोन हमारे धरती पर हो, अर्थ के सरफेस पर, तो नुकसान देती है, बट ओजोन लेयर हमें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। ओजोन जो है ना वो ऑक्सीजन से डिफरेंट है, ऑक्सीजन होता है O2 और ओजोन होता है O3। जब दो O2 और एक O मिलता है तो O3 बन जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर ओजोन एब्जॉर्ब नहीं करता और ये अर्थ के सरफेस पर पहुँच जाती, तो इसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारियाँ हो सकती थी। अब गैल्वेनाइजेशन बचा है, क्रिस्टलाइजेशन का बचा हुआ है। देखिए टाइम कितना हो गया, 17 मिनट हो गए हैं, और ये सारा तो हमने पढ़ ही लिया है। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग और क्रिस्टलाइजेशन, ये वाला चलिए पढ़ ही लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, बट कोई नहीं, फिर नेक्स्ट वीडियो। अब आयरन रस्ट होता है, आयरन रस्ट का मतलब होता है आयरन में जंग लग जाना। तो एक दिस इज़ वन चेंज दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल, और धीरे धीरे मतलब आयरन को अफेक्ट करता है और धीरे धीरे उसको ख़राब कर देता है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे जो ब्रिजेस बनते हैं, शिप्स बनते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में ये इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मॉनेटरी लॉसेज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। बट ये होता कैसे है, तो देखिए आयरन अगर ऑक्सीजन की या फिर वाटर की प्रेजेंस में आता है तो आयरन ऑक्साइड बन जाती है, Fe2O3 बन जाता है। अगर आयरन और आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है, वाटर की प्रेजेंस में आता है, तो Fe2O3 बन जाता है। इसकी वजह से आयरन पे रस्टिंग हो जाती है। तो हमें रस्टिंग के लिए किन दो चीज़ों की इंपॉर्टेंट पड़ी, ज़रूरत पड़ी, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और वाटर का प्रेजेंस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे हवा में मॉइस्चर होता है, हवा में पानी होता है, नमी होती है, इसकी वजह से आयरन जो है वो रस्टिंग करता रहता है। बट अगर हम लोग किस तरीके से बचा सकते हैं, तो हम लोग गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस लगा सकते हैं, डिपॉजिट, या तो हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, है ना, पेंट भी करते हैं, और फिर उस पर ग्रीस लगा देते हैं, पेंट लगा देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, या फिर हम लोग उस पर क्रोमियम और जिंक भी लगा सकते हैं। क्रोमियम भी एक केमिकल होता है, क्रोमियम या फिर जिंक अगर हम उसमें लगा दें आयरन के ऊपर, तो जो प्रोसेस मतलब वो फिर रस्ट नहीं होगा। तो प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो जो प्रोसेस होता है ना डिपॉजिट करने का,
जिंक मतलब जैसे कि आयरन है, आयरन के ऊपर आप पूरे आपने जिंक की लेयर लगा दी, आपने आयरन के ऊपर जिंक की लेयर लगा दी, तो इसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। आयरन के पाइप जो घर वगैरह में होते हैं हम उसको गैल्वेनाइज कर देते हैं ताकि वो रस्ट ना करें। शिप्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा पानी के अंदर रहते हैं, तो चाहे आप कुछ भी कर लें इन पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, बट स्टिल गैल्वेनाइजेशन करने के बाद इसका मतलब जो है इफ़ेक्ट धीरे कम हो जाता है, मतलब कम धीरे धीरे रस्टिंग होती है। और सॉल्ट वाटर जो है वो रस्ट के फॉर्मेशन, सॉल्ट वाटर है मतलब नॉर्मल वाटर है ना, तो उसमें रस्टिंग इतनी जल्दी नहीं होगी, अगर सॉल्ट वाटर है पानी में नमक भी घुला हुआ है तो उससे क्या होता है वो रस्टिंग का जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है, और इस रस्टिंग की वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए आई है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को जब हम लोग आयरन के साथ मिक्स कर देते हैं, मतलब कैसे बनती है स्टेनलेस स्टील, लोहा लेते हैं, आयरन लेते हैं, उसके साथ हम लोग कार्बन और कुछ मेटल्स जैसे कि क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, इसको इस्तेमाल करते हैं, तो वो स्टेनलेस स्टील बन जाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से आप नोट कर लीजिए, मार्क कर दीजिए बुक में, लिख लीजिए कहीं पर कि स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है। स्टेनलेस स्टील के लिए हम लोग आयरन चाहिए, हमें लोहा चाहिए, कार्बन चाहिए और मेटल्स जैसे कि क्रोमियम, निकल और मैंगनीज, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज चाहिए। अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं आयरन के ऊपर क्रोमियम, निकल, मैंगनीज और कार्बन लगा देते हैं तो वो रस्ट नहीं होता है। अब आगे आता है क्रिस्टलाइजेशन। क्लास 6 में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से जब पानी भाप बन के उठ जाता है, समुद्र का पानी, तो उसके नीचे क्रिस्टल्स बन जाते हैं सॉल्ट के, है ना। तो अगर हम क्रिस्टल्स जो होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होते हैं, बिल्कुल साफ़ होते हैं, और लार्जली क्रिस्टल, लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, मतलब उनके सॉल्यूशंस में से ना, जैसे किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन है उसमें से हम उसमें से क्रिस्टल्स, सॉल्यूशन में से हम लोग क्रिस्टल निकाल सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, और ये एक फिजिकल चेंज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। गैल्वेनाइजेशन इज़ अ केमिकल चेंज, ठीक है, गैल्वेनाइजेशन तो केमिकल चेंज है बट क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ फिजिकल चेंज, याद रखिएगा। किस तरीके से ये प्रोसेस किया जाता है, हम लोग को एक कप में पानी लेना है, फिर उसमें हम लोग को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है। तो क्या क्या करना है हमें, हमें एक बीकर में पानी लेना है, फिर उसके बाद हमें उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, फिर उसको हमें गर्म करना है, और गर्म जब हम लोग कर रहे होंगे ना पानी को जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड पड़ा हुआ है, जब हम उसे गर्म कर रहे होंगे तो गर्म करते टाइम हमें उसमें कॉपर सल्फेट का पाउडर डाल देना है धीरे धीरे हिलाते हुए। और जब हम लोग कॉपर सल्फेट का पाउडर हम लोग ऐड करते जाएंगे, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि और पाउडर उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाएगा, ऐसा होगा तो हमें उस सॉल्यूशन को फिल्टर कर लेना है और फिर उसके बाद उसको ठंडा कर देना है। फिर जब हम उसको ठंडा करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल गए हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल काफ़ी सुंदर लगते हैं, ब्लू ब्लू से कलर के ये होते हैं। तो ये क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस है और ये एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का मतलब होता है क्रिस्टल, आपने क्रिस्टल बना लिए, आप क्रिस्टल से दोबारा से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बना सकते हैं। और जो क्रिस्टल होते हैं ना किसी भी चीज़ के, वो बहुत ही ज़्यादा प्योर होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा था, इसमें आपने पानी लिया था H2SO4, ठीक है, H2SO4 डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड आपने डाला था, फिर उसके बाद आप उसको हिला रहे थे गर्म करते हुए, फिर गर्म जब हो गया फिर आपने उसमें कॉपर सल्फेट डाला, कॉपर सल्फेट से ब्लू कलर आ जाता है, ब्लू से कलर का हो गया, फिर आप उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट डालते रहे हिलाते हिलाते, जब तक ऐसी कंडीशन नहीं आ गई कि वो घुल ही नहीं रहा है। फिर जब ऐसा हो जाएगा आपको उसको छोड़ देना है, ठंडा कर देना है, बस ऐसे छोड़ दीजिए आप, मतलब ऐसा हो गया, फिर आपने उसको ठंडा करने के बाद आपने उसे फ़िल्टर कर लिया, फ़िल्टर पेपर पे आप उसे ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ देंगे तो आप देखेंगे कि उसमें क्रिस्टल्स बन गए हैं। तो या फिर ठंडा करने से पहले भी आप सॉल्यूशन को फ़िल्टर कर सकते हैं, फिर आप उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जो आपने फ़िल्टर किया है ना तो उसमें आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।